एनसीसी एबीएन सी सर्टिफिकेट एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आज का टॉपिक है द एनसीसी। इस टॉपिक से रिलेटेड टोटल 44 क्वेश्चन है। कौन बनेगा आज का विनर? विनर वही होगा जिनका 44 में 44 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होंगे एक अटेम्प्ट में। सभी को जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पूरा दीजिएगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 15 सेकंड का टाइम मिलता है और डेली क्विज टेस्ट चलता है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का, एनसीसी का पूरा नाम लिखो। ऑप्शन है नेशनल कैडेट क्रॉप्स, बी नेशनल कैडेट कोड, सी नेशनल कैडेट कोर या फिर डी नॉन कैडेट कोर। टाइम शुरू हो चुका है। एक क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 15 सेकंड का टाइम दूंगा, जो कि आपका टाइम इधर चल रहा है बगल में। तो टेस्ट पूरा देना है और डेली टाइम से टेस्ट देंगे, ठीक है? बाकी लाइव क्लास आप कंटिन्यू करेंगे। चलिए जल्दी फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी बताना। टाइम ऑफ, तो एनसीसी का फुल फॉर्म होता है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नेशनल कैडेट कोर। काफी लोग ऑप्शन ए लिखे थे तो आप लोग गलत हो, सी वाले सही है। सेकंड क्वेश्चन, भारत में एनसीसी की स्थापना सन कितने में की गई थी? ऑप्शन ए 16 जुलाई 1948 में, बी 16 अप्रैल 1948 में, सी 15 जुलाई 1948 में या फिर डी 15 अप्रैल 1948 में। टाइम शुरू हो चुका। यानी एनसीसी की शुरुआत भारत में कब की गई, डेट और ईयर दोनों साथ में। ऑप्शन आपके सामने है, चलिए जल्दी। व्हेन वाज एनसीसी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? टाइम अप, तो करेक्ट आंसर होगा भारत में एनसीसी की शुरुआत 16 जुलाई 1948 को स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, एनसीसी में कितने निदेशालय यानी डायरेक्टरेट्स हैं? ऑप्शन ए 16, बी 17, सी 18 या फिर डी 19। टाइम शुरू हो चुका। निदेशालय मतलब डायरेक्टरेट, व्हाट आर द नंबर ऑफ डायरेक्टरेट्स इन एनसीसी? ऑप्शन ए 16, बी 17, सी 18 या फिर डी 19। टाइम अप, 15 सेकंड का टाइम है इधर जो चल रहा, तो लिमिट टाइम में आंसर बताना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टोटल 17 डायरेक्टरेट है। क्वेश्चन नंबर 4, एनसीसी का मोटो क्या है? ऑप्शन ए एकता और ईमानदार, बी तेज और बुद्धिमान, सी अनुशासन और साहस या फिर डी एकता और अनुशासन। टाइम शुरू हो चुका। व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी? ऑप्शन आपके सामने है, एकता और ईमानदार, तेज और बुद्धिमान, अनुशासन और साहस या फिर एकता और अनुशासन। टाइम अप, तो एनसीसी का मोटो एकता और अनुशासन होता है। ऑप्शन डी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एनसीसी में कितने स्तरों पर प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दिया जाता है? ऑप्शन ए 3 स्तरों पर, बी 4 स्तरों पर, सी 5 स्तरों पर या फिर डी 6 स्तरों पर। टाइम शुरू हो चुका। यानी एनसीसी में कितने लेवल पर ट्रेनिंग दिया जाता है? ऑप्शन 3, 4, 5 या 6 लेवल पर। चले जल्दी टाइम अप। तो एनसीसी में 3 लेवल यानी 3 स्तर पर ट्रेनिंग दिया जाता है। ऑप्शन ए वाले सही है, जो कि आपका है आर्मी, एयर और नवल। क्वेश्चन नंबर 6, एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे? ऑप्शन ए सुदर्शन फकीर, बी कर्नल जीजी बैबूर, सी पंडित हृदयनाथ कुंजरू या फिर डी लेफ्टिनेंट जनरल गुरुवीर पाल सिंह। टाइम शुरू हो चुका। एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे? चलिए फास्ट आंसर सभी का जल्दी से आना चाहिए, विदाउट एनी टाइम वेस्ट। बाकी आप लाइव क्लास तेजस चैनल पे कंटिन्यू करेंगे। टाइम ऑफ हो चुका है। एनसीसी का प्रथम निदेशक कर्नल जीजी बेगूर थे। ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत में एनसीसी की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है सुदर्शन फकीर ने, बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, शिव पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने या फिर डी बंकिम चंद चटर्जी ने। टाइम शुरू हो चुका। भारत में एनसीसी की शुरुआत किस व्यक्ति ने किया था? ऑप्शन सुदर्शन फकीर, रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू या फिर बंकिम चंद चटर्जी। टाइम अप, तो भारत में एनसीसी की शुरुआत पंडित
हृदयनाथ कुंजरू ने किया था, ऑप्शन सी वाले सही है। इस सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, ठीक है, ओरिजिनल है, इस सब बुक्स में भी जल्दी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एनसीसी का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ में, बी पटना में, सी जयपुर में, या फिर डी दिल्ली में। टाइम शुरू हो चुका है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीसी? ऑप्शन लखनऊ, बी पटना, सी जयपुर, या फिर डी दिल्ली। ओनली 15 सेकंड फॉर वन क्वेश्चन, टाइम अप। तो एनसीसी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ऑप्शन डी वाले सही है। काउंट करते रहना कितना सही करते हो। क्वेश्चन नंबर 9, एएनओ का पूरा नाम लिखो। ऑप्शन है एसोसिएट एनसीसी ऑफिस, बी एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर, सी एसएज एनसीसी ऑफिसर, या फिर डी एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। टाइम शुरू हो चुका। फुल फॉर्म ऑफ एएनओ, चलिए जल्दी स्पेलिंग ध्यान देना, नहीं तो फंसोगे। इसमें भी काफी लोग फंसते हैं, जो पढ़ के नहीं आते, ध्यान नहीं देते हैं। टाइम अप। तो एएनओ जो हमारे एनसीसी टीचर होते हैं, इनका फुल फॉर्म होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, यानी ऑप्शन डी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 10, एनसीसी में बालिका अष्टकंद की स्थापना जुलाई कितना में हुई? ऑप्शन 1949 में, बी 1950 में, सी 1952 में, या फिर 1954 में। टाइम शुरू हो चुका। सभी का आंसर जल्दी से आना चाहिए। एनसीसी में बालिका अष्टकंद की स्थापना कब हुई थी? फास्ट और 2 सेकेंड, टाइम अप। तो एनसीसी में गर्ल्स डिवीजन की स्थापना 1949 में हुआ था, ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एनसीसी के झंडे में कितने रंग हैं? ऑप्शन ए 4 रंग, बी 3 रंग, सी 5 रंग, या फिर डी 7 रंग। टाइम शुरू हो चुका। हाउ मेनी कलर्स आर इन द फ्लैग ऑफ एनसीसी? ऑप्शन 4 रंग, बी 3 रंग, सी 5 रंग, या फिर डी 7 रंग। टाइम अप। तो एनसीसी के झंडे में 3 रंग होते हैं, ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एनसीसी का झंडा किन रंगों की पट्टियों से बना है? ऑप्शन है लाल, बी गहरा ब्लू, सी हल्का ब्लू, या फिर डी इनमें से सभी। टाइम शुरू हो चुका है। यानी जो हमारा एनसीसी फ्लैग होता है उसमें कौन कौन से कलर होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, लाल, गहरा ब्लू, हल्का ब्लू, या इनमें से सभी। फास्ट, टाइम अप। तो एनसीसी के झंडे 3 रंग होते हैं, जो कि तीनों दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13, एनसीसी सॉन्ग किसने लिखा? ऑप्शन है सुदर्शन फकीर ने, बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सी पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने, या फिर डी बंकिमचंद चटर्जी ने। टाइम शुरू हो चुका। हु रोट एनसीसी सॉन्ग, जो कि हमारा सॉन्ग है हम सब भारतीय हैं? ऑप्शन सुदर्शन फकीर, रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। टाइम अप। तो एनसीसी सॉन्ग सुदर्शन फकीर ने लिखा है, ऑप्शन ए वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 14, एनसीसी का झंडा कब बना है? ऑप्शन है 1948 में, बी 1950 में, सी 1952 में, या फिर 1954 में। टाइम शुरू हो चुका। एनसीसी का झंडा कब बना है? 1948 में, 1950, 52 में, या फिर 1954 में। चलिए हरी अप, टाइम अप। तो एनसीसी का फ्लैग 1954 में बना है, ऑप्शन डी वाले सही है। नेक्स्ट 50 नंबर, आईएमए किस जगह में अवस्थित है? ऑप्शन है मुंबई में, बी दिल्ली में, सी देहरादून में, या फिर डी पुणे में। टाइम शुरू हो चुका। आईएमए किस जगह में है, मतलब कि कहां स्थित है? ऑप्शन मुंबई में, दिल्ली में, देहरादून में, या फिर पुणे में। टाइम अप। तो आईएमए देहरादून में स्थित है, ऑप्शन सी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एनसीसी दिवस किस डेट को मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 नवंबर को, बी नवंबर के दूसरे रविवार को,
सी 14 नवंबर को या फिर डी नवंबर के चौथा रविवार को। टाइम शुरू हो चुका। ऑन विच डेट वी सेलिब्रेट एनसीसी डे? 4 नवंबर, नवंबर के दूसरे रविवार, 14 नवंबर या फिर नवंबर के चौथे रविवार को। टाइम अप। तो एनसीसी दिवस प्रत्येक वर्ष नवंबर के चौथे रविवार को मनाते हैं। ऑप्शन डी वाले सही है। नेक्स्ट 17 नंबर, डब्ल्यू टी एल ओ का पूरा नाम लिखो। ऑप्शन ए होल टाइम लेडीज ऑफिसर्स, बी होल टाइम लेडी ऑफिसर्स, सी होल टाइमर लेडी ऑफिसर्स या फिर डी होल टाइम लेडी ऑफिस। टाइम शुरू हो चुका। फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू टी एल ओ, चलिए जल्दी स्पेलिंग ध्यान देना नहीं तो फंसोगे। फास्ट। टाइम अप। और डब्ल्यू टी एल ओ का फुल फॉर्म होल टाइम लेडी ऑफिसर्स होता है। ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट 18 नंबर, आर्मी का सबसे छोटा रैंक बताएं। ऑप्शन है सिपाही, बी कर्नल, सी जनरल या फिर डी फील्ड मार्शल। टाइम शुरू हो चुका है। विच इज द लोएस्ट रैंक ऑफ द आर्मी? सिपाही, कर्नल, सी जनरल या फिर डी फील्ड मार्शल। चलिए फास्ट, बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है। टाइम अप। तो आर्मी का सबसे छोटा रैंक सिपाही यानी सोल्जर का होता है। ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एनसीसी एयरविंग की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन ए 1948 में, बी 1950 में, सी 1952 में या फिर 1947 में। टाइम शुरू हो चुका। एनसीसी में तीन विंग्स है ना, आर्मी, एयर, नवल। तो एनसीसी एयरविंग कब शुरू किया गया, इसकी स्थापना कब हुई? 48 में, 50 में, 52 में या फिर 47 में। चलिए फास्ट। टाइम अप। तो एनसीसी एयरविंग की शुरुआत 1950 में हुई थी। ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट 20 नंबर, संपूर्ण भारत में एनसीसी के कितने निदेशालय हैं? ऑप्शन है 15, बी 19, सी 20 या फिर डी 17। टाइम शुरू हो चुका। मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में एनसीसी के कितने डायरेक्टरेट हैं? ऑप्शन आपके सामने है 15, 19, 20 या 17 डायरेक्टरेट हैं। चलिए टाइम अप। संपूर्ण भारत में टोटल 17 निदेशालय हैं। ऑप्शन डी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 21, एनसीसी के ध्वज में गहरा नीला रंग एनसीसी के किस वर्ग को दर्शाता है? ऑप्शन है आर्मी विंग को, बी नवल विंग को, सी एयर विंग को या फिर डी तीनों विंग्स को। टाइम शुरू हो चुका। टोटल तीन विंग्स है ना एनसीसी में, तो जो इसमें डार्क ब्लू कलर होता है वह एनसीसी के किस विंग को दर्शाता है? ऑप्शन आपके सामने है आर्मी, नवल, एयर या फिर तीनों को। चलिए जल्दी। टाइम अप। तो गहरा नीला यानी डार्क ब्लू ये नवल विंग को दर्शाता है। ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 22, सीएटीसी का पूरा नाम लिखो। ऑप्शन है कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, बी कंबाइंड एनुअल ट्रेकिंग कैंप, सी कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप या फिर डी कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंपस। टाइम शुरू हो चुका। स्पेलिंग ध्यान देना, थोड़ा मिस्टेक करेंगे फंसेंगे। लिमिट टाइम है, 15 सेकंड का टाइम मिलेगा, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। फुल फॉर्म ऑफ सीएटीसी, चलिए जल्दी और 2 सेकंड। टाइम ऑफ। सीएटीसी जो हमारा होम कैंप लगता है इसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 23, एनसीसी किस मिनिस्ट्री में आता है? ऑप्शन है स्वास्थ्य मिनिस्ट्री, बी खेल मिनिस्ट्री, सी डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर डी इनमें से कोई नहीं। टाइम शुरू हो चुका। एनसीसी किस मिनिस्ट्री में आता है? चलिए फास्ट, स्वास्थ्य मिनिस्ट्री, खेल मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर नन ऑफ द अबव, कोई नहीं। टाइम अप। तो एनसीसी जब पार्ट ऑफ डिफेंस, सो एनसीसी डिफेंस मिनिस्ट्री में आता है। ऑप्शन सी वाले सही है। 24 नंबर, एनसीसी के डीजी कौन है? ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार एच, बी श्री राजनाथ सिंह, सी
जनरल मनोज पांडे या फिर डी लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह। टाइम शुरू हो चुका है। एनसीसी के डीजी कौन है, यानी डायरेक्टर जनरल कौन है जो एनसीसी के हेड होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, चलिए फास्ट, सभी का परफेक्ट होना चाहिए। टाइम अप। तो अभी प्रेजेंट में एनसीसी के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह है, ऑप्शन डी वाले सही है। नेक्स्ट 25, एनसीसी का गीत कदम मिला के सन कितना में अपनाया गया? ऑप्शन 1963 में, बी 1952 में, सी 1965 में, या फिर 1953 में। टाइम शुरू हो चुका है। कदम मिला के भी एनसीसी का ही एक दूसरा सॉन्ग है, तो ये कब अपनाया गया, यानी कब बनकर तैयार हुआ था, इसे एक्सेप्ट कब किया गया, 1963 में, 1952 में, 1965 में, या 1953 में? चलिए टाइम ऑफ। तो एनसीसी का गीत कदम मिला के 1963 में अपनाया गया, ऑप्शन ए वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 26, वाईईपी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए यूथ एक्सचेंज प्रोग्रेस, बी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, सी यूट्यूब एक्सचेंज प्रोग्राम, या फिर डी यूथ एक्सीलेंट प्रोग्राम। टाइम शुरू हो चुका है। वाईईपी का फुल फॉर्म क्या है? चलिए जल्दी, 15 सेकंड टाइम, ठीक है ना, क्योंकि 20 सेकंड आपका टाइम बचता है, नहीं तो बोलिएगा तो फिर 20 सेकंड देना पड़ेगा। टाइम ऑफ। तो वाईपी का फुल फॉर्म यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एनसीसी के ध्वज में लाल रंग एनसीसी के किस वर्ग को दर्शाता है? ऑप्शन एयर विंग को, बी नवल विंग को, सी आर्मी विंग को, या फिर डी तीनों विंग्स को। टाइम शुरू हो चुका। 15 सेकंड का टाइम मिलता है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, तो आप लोग टेस्ट पूरा देंगे डेली। एनसीसी के झंडे में जो लाल रंग होता है वह एनसीसी के किस वर्ग यानी किस विंग को दर्शाता है, एयर नवल आर्मी या तीनों? जल्दी चलिए टाइम ऑफ। तो लाल रंग आर्मी विंग को दर्शाता है, ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 28, एनसीसी आर्मी विंग की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन 1948 में, बी 1950 में, सी 1952 में, या फिर 1947 में। टाइम शुरू हो चुका है। यानी एनसीसी आर्मी विंग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1948 में, 1950 में, 1952 में, या फिर 1947 में। चलिए फास्ट, टाइम अप। तो एनसीसी आर्मी विंग की शुरुआत 1948 में हुई थी, ऑप्शन ए वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 29, एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए एकता और ईमानदार, बी एकता और अनुशासन, सी तेज और बुद्धिमान, या फिर डी अनुशासन और साहस। टाइम शुरू हो चुका। आदर्श वाक्य आपको फंसाने के लिए दिया गया, डिफिकल्ट वर्ड यूज किया, इसका मतलब होता है मोटो। एनसीसी का मोटो क्या है? चलिए अभी तो सबको सबका आंसर परफेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन ध्यान दीजिएगा। टाइम अप। तो एनसीसी का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन होता है, ऑप्शन बी वाले सही है। नेक्स्ट 30, एनडीए का पूरा नाम लिखो। ऑप्शन ए नेशनल डिफेंस अकेडमिक, बी नॉन डिफेंस अकेडमी, सी नेशनल डिफेंस अकेडमी, या फिर डी नेशनल डिफेंस अकेडमी। टाइम शुरू हो चुका। यानी फुल फॉर्म ऑफ एनडीए, स्पेलिंग ध्यान देना नहीं तो फंसोगे। टोटल 44 क्वेश्चन है, टेस्ट पूरा दीजिएगा। और जो लोग नए होंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। चलिए टाइम अप। तो इंडिया का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस अकेडमी होता है, ऑप्शन डी वाले सही है। 31, एनसीसी की स्थापना सन कितने में हुई थी? ऑप्शन है 1948 में, बी 1950 में, सी 1952 में, या फिर 1954 में। टाइम शुरू हो चुका है। व्हेन वाज एनसीसी एस्टेब्लिश्ड? चलिए जल्दी, परफेक्ट होना चाहिए सभी का। एनसीसी की स्थापना कब हुई? गुड जोश। टाइम अप। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी, ऑप्शन ए वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 32, एनसीसी कैडेट की एक कंपनी में कितने कैडेट्स होते हैं? ऑप्शन 140 कैडेट्स,
बी 150 कैडेट्स, सी 160 कैडेट्स या फिर 180 कैडेट्स। टाइम शुरू हो चुका है। एनसीसी कैडेट की एक कंपनी में कितने कैडेट्स होते हैं? चले जल्दी, 140, 150, 160 कैडेट्स या फिर 180 कैडेट्स। टाइम ऑफ, तो एनसीसी के एक कंपनी में 160 कैडेट्स होते हैं, ऑप्शन सी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 33, कितने से प्रतिशत तक वालों को बी सर्टिफिकेट परीक्षा में बी ग्रेडिंग दी जाती है? ऑप्शन है 70% से 75%, बी 65% से 75% वालों को, सी 60% से 80% या फिर डी 60% से 75% वालों को। टाइम शुरू हो चुका, यानी कितना से कितना परसेंट के बीच में आपका नंबर आएगा तो आपको बी सर्टिफिकेट परीक्षा में ब्रेवो ग्रेडिंग से पास किया जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, चलिए जल्दी, बी हो, ए हो, सी हो, सब में सेम होता है ग्रेडिंग का परसेंटेज। टाइम ऑफ, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 60% से 75% में अगर आप आते हैं तो बी ग्रेडिंग। 34, आरडीसी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए रिपब्लिक डे कैंपस, बी रिपब्लिक डे कैंप, सी रियल डे कैंप या फिर डी रिपब्लिक डेली कैंप। टाइम शुरू हो चुका, फुल फॉर्म ऑफ आरडीसी, सभी का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। चलिए जल्दी, स्पेलिंग ध्यान देना, आरडीसी जो दिल्ली में होता है ना, अभी बंदे सिलेक्ट होके गए हुए हैं। टाइम ऑफ, तो आरडीसी का अर्थ रिपब्लिक डे कैंप होता है, ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 35, ओटीए का पूरा नाम लिखो। ऑप्शन ए ऑफिस ट्रेनिंग अकेडमी, बी ऑफिसर ट्रेकिंग अकेडमी, सी ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी या फिर डी ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी। टाइम शुरू हो चुका, फुल फॉर्म ऑफ ओटीए, चलिए जल्दी, ओटीए का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग, गुड जोश, चलिए टाइम ऑफ, ओटीए का फुल फॉर्म होता है ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, ऑप्शन डी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 36, आर्मी का सबसे बड़ा रैंक बताएं। ऑप्शन है सिपाही, बी कर्नल, सी जनरल या फिर डी फील्ड मार्शल। टाइम शुरू हो चुका, आर्मी का सबसे बड़ा रैंक कौन सा होता है? चलिए जल्दी, सिपाही, कर्नल, जनरल या फील्ड मार्शल, यानी व्हिच इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ द आर्मी। टाइम ऑफ, आर्मी का सबसे बड़ा रैंक जनरल का होता है, ऑप्शन सी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, एनसीसी के हेड कौन होते हैं? ऑप्शन है रक्षा मंत्री, बी डीजी यानी डायरेक्टर जनरल, सी थल सेना अध्यक्ष या फिर डी एडीजी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल। टाइम शुरू हो चुका, हु इज द हेड ऑफ एनसीसी? रक्षा मंत्री, डीजी, थल सेना अध्यक्ष या फिर एडीजी। बच्चा वाला क्वेश्चन है, टाइम अप, तो एनसीसी के हेड डीजी यानी डायरेक्टर जनरल होते हैं, ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 38, एनसीसी में स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्टूडेंट्स, बी सोल्जर्स, सी सिविलियन या फिर डी कैडेट्स। टाइम शुरू हो चुका, मतलब एनसीसी ज्वाइन करने से पहले हम लोग स्टूडेंट्स होते हैं, एनसीसी में हम लोग को किस नाम से बुलाया जाता है? स्टूडेंट्स, सोल्जर्स, सिविलियन या फिर कैडेट्स। टाइम अप, तो एनसीसी में स्टूडेंट्स को कैडेट्स बुलाते हैं, ऑप्शन ए वाले सही है। 39, एनसीसी का यूनिफॉर्म क्या है? ऑप्शन है आर्मी यूनिफॉर्म, बी खाकी यूनिफॉर्म, सी स्कूल यूनिफॉर्म या फिर डी नॉन ऑफ दीज। टाइम शुरू हो चुका, एनसीसी का यूनिफॉर्म क्या है? चलिए फास्ट, आर्मी यूनिफॉर्म, खाकी यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइम अप, तो एनसीसी में जो हम लोग यूनिफॉर्म यूज करते हैं उसे खाकी यूनिफॉर्म बोलते हैं, ऑप्शन बी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में एनसीसी के कुल कितने बटालियन हैं? ऑप्शन है 820 बटालियन, बी 834 बटालियन,
सी 840 बटालियन या फिर डी 814 बटालियन। टाइम शुरू हो चुका है। भारत में एनसीसी के कुल कितने बटालियन है? 820, 834, 840 बटालियन या फिर 814 बटालियन। चलिए जल्दी सभी लोग, टाइम अप। तो अभी भारत में 814 बटालियन है, ऑप्शन डी वाले सही है। क्वेश्चन नंबर 41, एनसीसी में एक्टिविटीज के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए सीओ, बी एएनओ, सी डीजी या फिर डिफेंस मिनिस्टर। टाइम शुरू हो चुका है। एनसीसी में जो भी एक्टिविटी यानी कार्यक्रम होता है उसकी जिम्मेवारी किसकी होती है? ऑप्शन ए सीओ, बी एएनओ, सी डीजी या फिर डी डिफेंस मिनिस्टर। टाइम अप। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एएनओ की होती है, जो कि फुल फॉर्म होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, जो एनसीसी टीचर होते हैं। 42 नंबर, एनसीसी के ध्वज में हल्का नीला रंग एनसीसी के किस वर्ग को दर्शाता है? ऑप्शन है आर्मी विंग को, बी नवल विंग को, सी एयर विंग को या फिर डी तीनों विंग्स को। टाइम शुरू हो चुका। चलिए जल्दी, जो एनसीसी का लाइट ब्लू कलर है वह एनसीसी के किस विंग को दर्शाता है? आर्मी विंग, नवल विंग या फिर एयर विंग या फिर तीनों को। टाइम अप। तो लाइट ब्लू यानी हल्का नीला एयरफोर्स यानी एयर विंग को दर्शाता है, ऑप्शन सी वाले सही है। 43 नंबर, एनडीए कहां स्थित है? ऑप्शन है मुंबई में, बी दिल्ली में, सी देहरादून में या फिर डी पुणे में। टाइम शुरू हो चुका है। एनडीए कहां स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, मुंबई में, बी दिल्ली में, सी देहरादून में या फिर डी पुणे में। इसके बाद और एक क्वेश्चन बचा है, चलिए टाइम अप। एनडीए खड़कवासला पुणे में, तो ऑप्शन डी वाले सही है, पुणे में। लास्ट क्वेश्चन, एनसीसी दिवस नवंबर के किस डेट को मनाया जाता है? ऑप्शन है चौथे रविवार को, बी तीसरे रविवार को, सी दूसरे रविवार को या फिर डी पहले रविवार को। टाइम शुरू हो चुका। यानी व्हेन वी सेलिब्रेट एनसीसी डे, ये दे दिए कि नवंबर में ही मनाते हैं, लेकिन कब? ऑप्शन फोर्थ संडे, थर्ड संडे, सेकंड संडे को या फिर फर्स्ट संडे को। टाइम अप। तो एनसीसी दिवस नवंबर में प्रत्येक वर्ष नवंबर के चौथे रविवार को मनाते हैं, ऑप्शन ए वाले सही है। तो आज के विनर कौन कौन है कमेंट करके बताइएगा, विनर वही होगा जिनका 44 में 44 आंसर सही होगा। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग वैसे मेहनत करें, और जिनका कम सही आप लोग भी कमेंट करो कितना सी, 20, 25, 30 कितना है, और कल से पढ़ के आएंगे, ठीक है। बाकी तेजस चैनल पर डेली क्लास चलती है, शाम में 7 बजे कंटिन्यू करेंगे, और चैनल ये वाला भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, दोनों चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्विज टेस्ट के साथ, अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।